एक दफ़ा उसने गाड़ी खोली और सामने शॉप पे चला गया और उसकी वो टॉफीज खा रहा था, तो उस बंदे ने इसको बहुत मारा। मैं गई, मैंने उसकी पेमेंट की और तो उससे मुझे कहा इसको बांध के रखे। हाउ कम यू से दिस थिंग, हाउ कम? आप किसी को बांध सकते हैं? व्हाई वी डू लाइक दिस? लेकिन आपको आके सब कहते हैं आपने ये नहीं किया, आपने अपने बच्चों के लिए ये नहीं किया, इसको बिठाना आपने नहीं सिखाया था, अच्छा इसको बाहर ले जाओ। लेकिन कोई ये नहीं कहता आप बैठ जाए, मैं एक घंटे के लिए हाशिम को आज बाहर लेके चला जाता हूँ। बेटा बस दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अल्लाह पाक अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ कर वी कैन। और मैं इसीलिए आई थी कि वी हैव टू गो अलॉन्ग। जिंदगी बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत है और हम चाहें तो उसको बहुत इजी बना सकते हैं, लेकिन हमने मुश्किल कर दिया। और अल्लाह ताला ने ये हमें अशरफुल मखलूकात जो बनाया वो इसीलिए बनाया था कि हमें जहन दिया था कि अच्छे रास्ते को चुनो, प्यार बांटो। मेरे ख्याल में कोई इस तरह का मज़हब नहीं है जिसमें किसी को कहा जा रहा हो कि उसको आप उनको नेमिंग से बुलाएं, आप उनको किसी की मदद ना करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कुछ दौर ऐसा आ गया है कि बहुत मुश्किल आता है, स्पेशली स्पेशल नीड्स के। जब मैं वैसे जब बीइंग यंग जब मेरी शादी हुई एंड इन बच्चों के डायग्नोसिस के लिए गई तो वहाँ पे एक इंडियन डॉक्टर थी, डॉक्टर मार्था, तो डेली हमारी काफ़ी एक लंबी क्लास लेती थी और जिसमें वो यही बता रही थी कि विद इन द पैसेज ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू फेस दीज काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज। सो आई यूज़ टू से एंड टेल माई हस्बैंड के क्या है, बच्चे हैं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं और हम बेहतर कर लेंगे, क्योंकि वो एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा उस वक्त था। लेकिन विद इन द पैसेज ऑफ टाइम समझ आया कि वी आर नथिंग। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज रजीब अब्बासी, आई एम 22 ईयर्स ऑफ एज, एथलीट लीडर फॉर स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान and now serving as Sergeant Shriver International Global Messenger representing Special Olympics Movement to spread the vision and message of inclusion for people with disabilities around the world. I live with my parents and younger brother Hashim. We both were born healthy and our early development was normal except for verbal speech. Communication was such a challenge for me that I learned to say my name when I was 8 years old. I only use single words to indicate my needs with poor eye contact, whereas my brother cannot speak. मेरा नाम अताउ फांसी है, मैं बेसिकली एस्पेक्ट करूँ तो मेरा मैंने ऐसे बैठे मैनेजर उसने मचल पहले 32 साल तो ज़्यादा साल भी है बस वो मैंने बैंक भी मैंने ज्वाइन किया और मैं बैंक लेवल में जब मैं था तो 2013 में तो मुझे वो गुलकार था कैंसर जो है ड्राइवर हो हुआ उसको उस बड़ी मुख पर दिया गया और मेरी आवाज़ चली गई और उसके बाद जो मेरे 3 या 4 साल 5 साल था वो बड़ा मुश्किल से गुजरा। मेरा मुझे फैमिली भूख लगी हुई थी और मैं मुँह से खाना नहीं खा सकता था, एक बार दोबारा मुझे ऑपरेट करना पड़ा जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लम्हा था। ये रात को जब आप अकेले में होते हैं तो आप ये सब कुछ सोचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि जब दिन चढ़ता है तो उस दिन में एक सुबह की नमाज के बाद आप देखें कि सब एक ऐसी चहल पहल होती है कि आप दुनिया के कामों में बिजी हो जाते हैं और आप कहते हैं कि वो उसकी ज़ात जाने हमारे बात क्या होगा।
और प्रेशर्स तो बहुत ज़्यादा हैं। क्या फैमिलीज में से लोग एक्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में से गुजर रही हैं, आप कैसे जिंदगी। लेकिन मैंने अब हमारी मेरी और मेरे हस्बैंड की लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं कि अब हम बड़े कंटेंट हो गए हैं। इन बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो सही कह रहा है, जो मेरे बच्चे दोनों स्पेशल और मेरी किसी लड़के की तो वो जो होता है 2013 से और लेके और 2019 या 2018 तक का सब बच्चा वो बड़ा टफ गुजरा है। इससे पहले मैं 2010 में बच्चों को इंग्लैंड सेटल करने के लिए चला गया, रिजाइन कर देने पर वीजा ना लगने की सूरत में मैं वापस आ गया। तो उसके बाद जो भी सिचुएशन मैंने अभी आपको बताई है वो भी तेरे पर हमने और मैंने और मेरी निश्चित नहीं बच नहीं आ रही। हमने हमने यही फैसला किया कि पूरी कोशिश करेंगे, माछली पर पोटली बनेंगे, बल्कि मसाल पैन करेंगे। और इसी तरह हमने अपने बच्चों पर भी पूरी तवज्जो दी। Feeling left out, I would hide myself in the classroom during break time. I had no other option except to think about my favorite cartoon characters like Johnny Bravo, Scooby-Doo and Powerpuff Girls, not only repeating their dialogues loudly, but even try to act like them. These actions seemed weird to other students, and so some of my schoolmates would label me as mad and retarded. ड्राइविंग फैक्टर मेरा जो ड्राइविंग फैक्टर था वो ये बच्चे ही थे। बिकॉज जब सब कहते मतलब इवन यू से कि व्हेन वी वर लुकिंग फॉर द डायग्नोसिस तो इवन डॉक्टर सेड ओ नहीं ये बच्चा स्पेशल है, ये कुछ नहीं कर सकेगा। तुम यानी आपने तो कट डाउन कर दिया ना कि वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इवन आप अगर हाशिम को ऑब्जर्व करें कि वो बहुत कुछ करता है लेकिन वो अपनी मर्जी से करता है। ही वॉन्ट टू लर्न, ही वॉन्ट एक्सेप्टेंस, वो जाना चाहता है बाय। अब जब हम उसको कन्फाइन कर रहे हैं एक रूम में, मैं कहूँगी नहीं ये मेज़ गिरा देगा, ये कुर्सी नीचे गिरा देगा, या मुझे कोई जज करेगा कि इसने कपड़े ठीक पहने हुए हैं, ये भाग रहा है, ये बुरे तरीके से कह रहा है, वही यू आर जजिंग। उसको तो स्पेस चाहिए, ही वॉन्ट्स टू गो अराउंड। उसकी अंडरस्टैंडिंग 23 साल का या 22 साल का बच्चा, उसको समझ है, वो ग्रो अप तो हो रहा है। तो मैंने तो ऐसे भी देखा कि जैसे मैं गाड़ी में उसको ट्रेवल करवाती थी तो एक दफ़ा उसने गाड़ी खोली और सामने शॉप पे चला गया और उसकी वो टॉफीज खा रहा था, तो उस बंदे ने इसको बहुत मारा। मैं गई, मैंने उसकी पेमेंट की और तो उससे मुझे कहा इसको बांध के रखे। हाउ कम यू से दिस थिंग, हाउ कम? आप किसी को बांध सकते हैं? मैंने स्पिरिचुअल हीलर्स के भी बहुत चक्कर लगाए, बहुत। और एक ने फिर वही हुआ, मुझे किसी ने कहा नहीं नहीं वो जिन निकालेंगे और निकालेंगे, उन्होंने नीचे उसको लेटा दिया, बड़ा एग्रेसिव हो रहा था। एक ने इधर पाँव रखा, एक ने एक कंधे में पाँव रखा और वो जो भी साहब थे वो कुछ पढ़ पढ़ के उसके मुंह में डाल रहे थे और वो वापस थूक रहा था और वह पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे छोड़ दें तो मैं इनको ज़रा मारूँ। तो लेकिन आफ्टर 5 मिनट्स नेचुरली जब उसको ये समझ आई कि उसके भी एक मसल्स कहीं अपना पूरा जोर लगाया, उसके बाद उसको पता है कि अब मुझे ग्रैब किया हुआ है 3 बंदों ने, तो वो बिल्कुल काम एंड क्वाइट हो गया। उन्होंने फिर उसके मुँह में चने डाले तो उसने खाना शुरू कर दिया, उन्होंने पानी डाला तो उन्होंने कहा अब जो सराउंडिंग्स में लोग बैठे हैं उनका जिन काबू हो गया, देखें जी जिन काबू हो गया। उन्होंने उसको छोड़ा हाशिम को और वो खड़ा हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर मैं उसको वहाँ पे, उन्होंने कहा जी इतने हफ्ते के बाद फिर आए, वो सारी दुनिया, हाशिम जाते ही नीचे लेट गया और मुंह खोल लिया उसने
ये डालो मेरे मुंह में, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, आप मुझे इससे गुजार रहे हो। व्हाई वी डू लाइक दिस? आई मुश्किलात कैसे कि इनको अब, लेकिन आपको आके सब कहते हैं आपने ये नहीं किया, आपने अपने बच्चों के लिए ये नहीं किया, इसको बिठाना आपने नहीं सिखाया था, अच्छा इसको बाहर ले जाओ, लेकिन कोई ये नहीं कहता आप बैठ जाएं, मैं एक घंटे के लिए हाशिम को आज बाहर लेके चला जाता हूँ। आप मुझे कहेंगे कि आप एक ट्रेनर रख लें, जब मैं आप ट्रेनर की बात कर रहे हैं तो आई हैव टू पे हिम, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट द मनी, आई डोंट वॉन्ट टू बैग एनी वन, सो आई बिलीव मुझे मेरे हस्बैंड को जब तक हम जिंदा हैं वी विल बी द ट्रेनर्स, वी विल एंड वी वॉन्ट कि वो रिस्पेक्ट के साथ, आई नेवर, हसीब इज नेवर अलाउड टू टेक एनी थिंग फ्रॉम एनी वन, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ दिस थिंग। वो अपनी चीज ना वो कभी किसी से कोई चीज मांगता है ना किसी से कोई चीज लेता है। सो मेरे ख्याल में मैं सोचती हूँ कि उनकी वजह से शायद मेरी बख्शिश होगी और इन बच्चों की जो जिंदगी में है वो अल्लाह ताला जानता है। I believe it's everyone's responsibility to play a part in the inclusion revolution. I believe that people with intellectual disabilities are some of the most marginalized people in the world, but where we are still constantly left behind. We need to remove barriers in the way. We meet so many people, but not really all of them, but they will try to understand, to improve, work on ourselves. Therefore, we should stand ourselves for inclusion revolution. We meet so many people, but not all of them understand our needs. Therefore, it is important we stand up for ourselves. I think all human beings are equal. We all have beautiful heart, so why not? Everybody should spread love. In this way, no one will feel left out. Make this world beautiful place, live for all. Let's praise each other for who we really are, determined and amazing change makers. Choose to include and lead to include. लेकिन वो बता अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में अभी वो भी अवेयरनेस नहीं आई जो भी आप बाकी मुल्क ममालक में देखते हैं, जिस तरह के अब होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो हमें पापा करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, जहाँ उनकी मदद की जरूरत होती है वो भी करते हैं। इसी वाले से मैं आपको बाकिया बताता चलूँगा, जब मैं बच्चों को छह माह के लिए इंग्लैंड लेके गया तो मैंने वहाँ पहले जो दुनिया की सबसे बड़ी दाते जाते जबकि हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर बैठकिन, उन्होंने हमारा असेसमेंट की रिपोर्ट बनाई। तो एक दिन हम चले गए शहर में, बस जनरल बस स्टैंड पर हम खड़े थे, जो मेरा छोटा बेटा आश्रम से पैचल है, अंग्रेज बातों की जिन्होंने बड़ा मूसा लिबास पहना हुआ था, ये आई पर होगा, इसने उनको मारा। तो मैं डर गया कि दूसरा मुल्क है अंग्रेज, इन्हें पता नहीं क्या बनेगा। तो मैंने उनको बड़ा अपोलोजेटिक होकर बताया कि ये स्पेशल बच्चा है। तो उन्होंने उसको गले भी लगाया, प्यार भी कराया, उसकी फीस भी दे के दी। हम में जो हम जो एक है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहैसियत एक इंसान वी कैन नॉट हेल्प जब तक आपके पास हेल्प ना हो। और यही तरीक़ाकार अगर आप देखें तो मज़हब में यही चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली लिखी हैं कि कमज़ोर की मदद करो, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपने से छोटों को मोहब्बत दो। और वो ही चीज़ें बिल्कुल। और मैं और अब इतने सालों के बाद आई हैव सीन के
मैं तो सोचती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हमारे हम दोनों के लिए स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, और उन्होंने हमारी ज़िंदगी का पूरा एक टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। ऑल्दो अभी भी एक वो नाइटमेयर्स आते हैं आपको, स्पेशली हाशिम को देख के, ही इज़ गोइंग टू लुक आफ्टर अस। जिस बच्चे को की शेप भी आपने करनी है, उसकी ड्रेसिंग आपने करनी है, उसको अच्छा खाने का शौक है, क्योंकि हमने उसको रखा ऐसे है, व्हाट विल हैपन। लेकिन ये रात को जब आप अकेले में होते हैं तो आप ये सब कुछ सोचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि जब दिन चढ़ता है तो उस दिन में एक सुबह की नमाज के बाद आप देखें कि सब एक ऐसी चहल पहल होती है कि आप दुनिया के कामों में बिजी हो जाते हैं और आप कहते हैं कि वो उसकी ज़ात जाने हमारे बाद क्या होगा। और प्रेशर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, क्या फैमिलीज़ में से लोग एक्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि आप कौन से सर्कमस्टेंसेस में से गुजर रहे हैं, आप कैसे ज़िंदगी। लेकिन मैंने अब हमारी मेरी और मेरे हस्बैंड की लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं कि अब हम बड़े कंटेंट हो गए हैं, उन बच्चों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऑल्दो मुझे ये फिक्र है कि हमारे मुल्क में भी बहुत से कामों को और इनको बच्चों को हाईलाइट किया जाता है और कहते हैं कि इन बच्चों का ख्याल रखा जाएगा, इनके लिए ये हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की अनाउंसमेंट्स होती हैं, लेकिन वाई बी आस के इनको 2000 रुपया मिले। फिर एस आई वॉन्ट टू सी के हसी शुडन उसको अपने काम के पैसे मिले, ही शुड नॉट गेट एनीथिंग इन चैरिटी। सो और माशाल्लाह दे कैन डू। और ये एक ऐसी चीज़ जो मैंने स्पेशल ओलंपिक के प्रोग्राम के थ्रू सीखी। और हसीब मुझे आई रिमेम्बर के जब मेरे हस्बैंड की सर्जरी थी तो मुझे सब ने कहा था हसीब को नहीं बताएं कि व्हाट इज़ रॉन्ग, बट द डे माई हस्बैंड वॉज गोइंग फॉर द सर्जरी तो मैंने हसीब को बैठ के बताया और मैंने उसे डिस्कस किया कि हम में से किसी एक ने हॉस्पिटल जाना है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने एकदम कहा कि जो हॉस्पिटल जाएगा वो वापस आके बोलेगा, क्योंकि इतना भी उसको समझ था। और मैंने कहा हो जाएगा सब कुछ, तो बताओ हम में तीनों में से कौन जाए। तो उसने फौरन एक मतलब, क्योंकि उसकी अपनी बाप के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन और बहुत प्यार था, तो उसने कहा था मामा यू आर स्ट्रॉन्ग यू गो। तो मैं अब उसको मजाक करती हूँ कि उस टाइम पे तो तुम मुझे हॉस्पिटल भेज रहे थे और अब मुझे कहते हो कि मैं ड्राइव करूँ, तो कहता है नो यू कैन डू इट। सो वी हैव लेकिन और नेक्स्ट डे जब वो गया और जब उसने देखा देन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, उस वक्त वो गया था एशिया पैसिफिक के लिए गेम्स के लिए, तो ही वॉज़ वेरी कंसर्न्ड। और कुछ हमें तो सब यही कहते थे कि जी एक दो बच्चे नहीं बात करते हैं, अब हस्बैंड भी नहीं बोलेगा क्या होगा। लेकिन वो एक आवाज़ ने शायद अल्लाह ताला ने वो एक रूट लिखा हुआ था ना, और अल्हम्दुलिल्लाह के हमें उसने उस मुश्किलात से निकाला, हमें अच्छी टीम उस वक्त मिल गई। आई वाज बिजी कि मैं अपने हस्बैंड की उसमें लगी हुई थी कि हेल्थ के लिए, तो हसीब वाज पार्ट ऑफ स्पेशल ओलंपिक, मुझे कोई फिक्र नहीं थी किन लोगों के साथ है, उन सब ने इसका इतना ख्याल रखा, इसकी ट्रैवलिंग का सब, तो मेरे पे बर्डन नहीं था। यानी मैं वहाँ से ईज हो गया कि हसीब उनके साथ इन्वॉल्व था और एवरीबॉडी टुक अ ग्रेट केयर ऑफ हिम, और हम इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जितना हम इनके लिए कर सकते हैं, तो मेरी यही ड्यूटी है। और 24 आवर्स में हम
आई कैन से कि वो 24 आवर्स की ड्यूटी नहीं है, वो बहुत एक दिन में 24 आवर्स नहीं है, कितने दिन हैं और कितने आवर्स हैं उसका वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती. और वी हैव आवर ओन पेस एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी विद इट. My program leaders always encourage me to use a microphone and I love it. I started sharing my story with the audience. I felt empowered. People were listening to me and that I too had a voice. My fear of loneliness faded out and I was offered love, respect and friendship. Everyone was talking to me and not about me. जिंदगी की मुश्किल सारी अपने, लेकिन जिस चीज से आपकी जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है उसके ऊपर भी जो है वो रिलीफ नहीं मिल रहा आपको. ये मल्टीपल इश्यूज हुए, हमारी गाड़ी चोरी होगी, मैंने अगेन क्योंकि वो ट्रेवल हमारे लिए नहीं था, हस्बैंड की एक सर्जरी हुई, देन ही वेंट फॉर कीमो, रेडिएशन हो रही थी, रेडिएशन में वो इन्फेक्शन इतना होता था कि डेली के आई वॉज स्पेंडिंग 35,000. एक दिन मैंने कोई 6 रह गई थी इनकी रेडिएशंस, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मैं कल से नहीं आऊँगी बिकॉज आई हैड टू पे 15,000 शिफा में मैं मतलब पे कर रही थी. तो मैंने कहा आज कल, उन्होंने कहा क्यों, आपने तो बॉन्ड भरा था कि आप पे कर दें. मैंने कहा इस वक्त कल के लिए, क्योंकि मैं डेली वो इन्फेक्शन 4 times एक वो नर्सिंग आता था, वो हर दफ़ा 400 rupees इंजेक्शन लगाने के लिए घर आता था, मैं वहाँ से ट्रेवल करती थी सारा कुछ ही. मैंने कहा मैं डेली 38,000 rupees पे कर रही हूँ, लेकिन कल मुझे लगता है कि मैं आके यहाँ पे उसके. तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कुछ फ़र्क पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं कुछ अपने आगे पीछे फंडिंग्स जो भी हैं आपकी सेविंग्स हैं उनको भी निकालने में कुछ टाइम लगेगा. तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप एक भी स्किप करेंगे तो वो ग्राउंड ज़ीरो पर सारा चला जाता है. सो आपको ज़कात लगती है? मैंने कहा नहीं, मुझे ज़कात नहीं लगती है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ ये सब कुछ लेके चल रही हूँ, तो मुझे देखना है कि मैंने कहाँ से कोई फंड्स अपने जनरेट करने हैं और उनको इधर लगाना है. तो उन्होंने कहा, क्योंकि शिफा में उन्होंने कहा कि है एक हमारा डिपार्टमेंट जो ज़कात पे. मैंने कहा इस तरह मेरे पास गाड़ी जिस पे मैं आ रही हूँ, आई कैन सेल इट आउट, लेकिन आई नीड सम टाइम ना, कि वो गाड़ी बेचने पे भी मुझे टाइम लगेगा. मैं ऐसे तो नहीं सड़क पे खड़ी हो जाऊंगी और किसी को दे दूंगी. तो उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने 60% ऑफ कर दिया और उनका यू कंटिन्यू एंड द डॉक्टर हिमसेल्फ पेड दैट. और आई रिमेंबर कि जब ये हो गया फिर ये ठीक हो गए, तो उसके बाद जो हमने कोई पैसे के इधर उधर, तो मैंने वापस जाके उनको, तो उन्होंने कहा जी इधर इसी में ज़कात वाले फ़ंड में आप दे.
सो बहुत इस दुनिया अभी तक कायम इसलिए है कि इसमें बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन मसाइल भी अपनी जगह है। तो इंशाल्लाह मैं तो अभी भी इसमें हूँ कि अगर चाहें लोग तो इस दुनिया को बहुत आसान बना सकते हैं। माशाल्लाह जी बाबा जी हो गए ग्लोबल मैसेंजर बना स्पेशल लगभग इंटरनेशनल बात स्पेशल लंबी एन बी है वो ये सारी ये स्ट्रगल मैं मेरे सारा डर मेरी मिसिस हो जाता है इसके अंदर से मैंने भी अपना हिस्सा डाला है। उसके अलावा स्पेशल लंबी पाकिस्तान और जो क्या जो दादा है या जी सी एल है स्कूल वगैरह से हमारा वास्ता पड़ा उन्होंने भी हमें पापा किया और हमारी यहाँ सलाह बताई थी तो हम पापा जी माचरे के सुनाई थी कि हम सबके ममनूर और मशहूर हैं जैसा कि स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान है और पीछे पर्सन लॉडबला खानी है हम वेरी जो वाइस प्रेसिडेंट है महफूज है लाई साहब है सर बहुत सारी मसाले मैं दे सकता हूँ। मुझे जूस बार काम करना अच्छा लगता है और आर यू एक मिनट यस हाँ मुझे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद भी मैंने नए वाले एथलीट लीडर से मिले थे और खूब काम करके मदद करे थे कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद मेरे मेंटर्स कोचेस और पेरेंट्स हमेशा के लिए काम शुरू लगते के जो मेरा मजबूरी का सर या पैगाम या मैसेज वो यही है कि ये अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते हैं और टफ होते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा बड़ा भी अब आपने अपने कायम रखना है अपनी भी पावर को आपने यूज करना है और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा और तवक्कुल तो इंशाल्लाह ये मुश्किल टाइम वापस होता जाता है। मैं ये जानता हूँ कि हमारा मुश्किल तरीन जो स्पेन था या सफर था वो खत्म हो चुका है वो भी मुश्किल आती है लेकिन कंपेरेटिवली हम बहुत सुकून में या ईजी हो गए। तो दूसरी बात जो है बात है वो ये है कि बात क्या होगा वो अल्लाह ताला की साथ चलती है और बच्चों का भी फ्यूचर किसी को पता नहीं होता लेकिन बासीत इंसान बासीत बातें हैं ये फिक्र या ये चीज़ टेंशन हमारे जहन में जरूर है कि हमारे बच्चों का हमारे बात क्या होगा। तो ये हम इसी चीज़ पर हम अपने आप को आप संभाल पाते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं जो इनका इनका फ्यूचर है उसका क्या हाल है हम बताया होगा तो जो भी इंडस्ट्री जो उनकी तरह अदारे बने हुए हैं या चंद एन जी ओज और भी है हम उनसे भी कंसर्न पाते हैं कि इससे पहले हमारा खात्मा हो जाए हमें बच्चों का कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेते हैं ये हमारी वो चीज़ है हमारी सोच है बाकी होगा क्या वो अल्लाह ताला की साथ बेहतर जानती है वही बेहतर करेगा हो सकता है हमारे जाने के बाद इनका अरेंजमेंट और भी अच्छा हो जाए और आज जो इनके पास है या हमारे पास है वो भी हमें बीवी की वजह से मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये परेशानी जरूर है बड़े तरह का निजात बजरिया भी होते हैं जो अल्टीमेटली मेरा मैसेज है या पैगाम है वो यही है कि ये मत सोचें कि सर वाह मुश्किल में इस माचरे में आज साफ मुश्किल में है लेकिन उसका उसकी जो सूरत है या चेहरा है वो अपनी अपनी है किसी को पराठों में बैठे हुए पते की पराठों ना देखे उसके अंदर क्या है वो रो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। तो कभी भी अपने आप को कम कर ना समझे कमजोर ना समझे और मैं पूरे यकीन और दावे के साथ है पर चलता हूँ कि मैंने और मेरी किसी ने हमें इसी ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली साबित किया है सर कहने भी आता भी नहीं है लेकिन अल्लाह की कहने है उसकी हिम्मत है और हमने तवक्कुल किया है। तो मेरी ये मैसेज और पैगाम यही है कि अल्लाह ताला पहले तो सबको ये तुम्हारी से इन मुश्किल से बचाए और अगर आ जाती है तो हौसला माता रहें अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करें और चलते जाएँ और अपनी डायरेक्शन फीस करें कि हमें करना क्या है तो फिर काला मुद रैंक होता है और जो सोसाइटी है वो बड़ा ठीक है वो वाला हमारा अल्लाह दिया अवेयरनेस नहीं है जो मगरबी ममालक में लेकर कोई बहुत अच्छे इंसान भी आज भी मौजूद हैं जो आपकी हौसला बधाई करते हैं और आपको दिए गए परिमेंट का जरिया बनते हैं। तो मैं जितने बैठे बच्चे या उनके वाले हैं नजीर वक्त सबको यही कहूँगा कि अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करते हुए
अपनी मंजिल की तरफ बड़ी देर बढ़ते चले आसानियाँ वही पता करते अपने स्वमान अपने स्वमान असीब का ब्रांड बड़ा छोटा सा है बट मैंने यही देख रहे हैं कि ठीक है हम एक लो स्केल पे काम कर रहे हैं अच्छा है लेकिन मुझे जैसे सबने कहा क्यों कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को उनके फ्रेंड्स ने कहा बीइंग अ बैंकर तुम क्यों आके यहाँ पे बैठो लेकिन क्या करें वी नीड सम स्पेस एंड वी आर रियली एंजॉइंग मैं आपको एट द एंड यही कहूँगी और मैं कि हमारी जिंदगी में यही हमारी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो बहुत बड़ी खुशियाँ आई थिंक दे शुड कन्विंस एक्चुअली ऑन द गवर्नमेंट स्केल्स वी शुड कम अप विद द आइडियाज हाउ दिस कैन बी डन अगर कोई भी बच्चा इस तरह का स्पेशल नीड्स का है तो उसको आपको मोबिलाइज करना है ना आप कोई भी उसको काम सिखा दें कि उसमें रिस्पेक्ट मांगने वाला उसको ना बनाए उसको मांगने वाला ना बनाए काम करने वाला बनाए आप ऑफिस में ऑफिस बॉय जैसे कंपनीज हैं अगर वो ऑफिस असिस्टेंट या वो उनके नियर बाय उनको छोटे से उसमें सेटअप में कर दें आई एम ऑलवेज अमेज्ड इमरान खान की स्पीच होती है तो वो वही रियासत मदीना एंड एवरीथिंग दे टॉक अबाउट और वो कहते हैं नीचे वाले तबके को ऊपर उठाना है and really amazed by his journey the way he planned that Shokat Khanam hospital wo bahut acche tarike se chal raha hai to why not think about this ki in bachon ke liye is tarah ki koi places ho jahan ye jointly reh rahe ho koi small cottage industry koi jo hai koi bache envelopes bana sakte hain ya wahan pe ye kaam karte ho तो वो सेल्फ जनरेटिंग वो एस्पेक्ट हो और वहाँ पे कुछ माएँ कुछ पेरेंट्स जो के उन बच्चों के साथ रहना चाहते हैं तो वो एक विलेज का में स्केल में हो जैसे बहुत से मुल्क में हैं ऐसे कि दे आर प्लेइंग दे आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ ओवर देयर दैट्स ऑल कम्युनिटी सेंटर्स ठीक है तो एक स्क्वीजी इज इन राइट नाउ जो लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन है इट्स आउटसाइड जे मार्ट सेक्टर ई डीएचए जैकरेंडा क्लब जी बिल्कुल यू आर ऑलवेज वेलकम एंड वी विल और मजे की बात है स्क्वीजी पे मतलब हम में से कोई भी जूस का काम तो नहीं करता था जूस की स्टोरी ऐसे हुई कि हसीब तो बहुत इंटरेस्टेड था कि जी कॉफी बार क्योंकि वो बाहर यहाँ पे कौन कितने लोग हैं कॉफी पीने वाले नहीं वैसे तो आप मुफ्त की कॉफी मैं मुझे पिलाने ले चलें तो मैं भी कहूँगी वहाँ चाय खाना चले लेकिन एक जनरली आप ट्रेंड करें ना नहीं है देन यू हैव टू सी अ पॉकेट फ्रेंडली चीज शुगर केन अगेन डिसाइडेड था और मेरे हस्बैंड जो आज जिंदा है मैं कभी उनको कभी हमारी जो नोक जो उनको होती है ना तो मैं कहती हूँ गलत ही किया इतने तुम जूस पिला पिला के तुम जिंदा बच गए मतलब वही अप्स एंड डाउनस हमारी लगी रहती हैं और उसके बगैर तो जिंदगी नहीं होती है मैं क्योंकि डॉक्टर ने मुझे तो रिफ्यू उन्होंने कहा जी 38 kg पे वेट अब क्यों ब्रिगेडियर जो थे जुल्फिकार उन्होंने कहा कि अब पैक रहेगा ही मुझे नहीं लगता कि ये इनका खाने का सिस्टम ठीक हो सके और वेट भी लूज करेंगे इनको इंश्योर दे देंगे तो वो जब वेट कम होता गया मैंने कहा यार क्यों एक बंदा मेरे सामने मार रहा है और जब मैं हसीब की तरफ स्पेशली तो हमारे खाने डाइनिंग टेबल नहीं लगता था कुछ भी नहीं था तो देन आई कम विद दिस आइडिया कि वाई नॉट आपने दो वेजिटेबल्स उठाई दालों को बॉयल किया उनको किया इसमें एक माल्टे का भी डाल दिया एक से क्योंकि टेस्ट तो आपको जा नहीं रहा तो हम वो सारा फूड उसमें ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको पतला बना के और उसमें डाल देते थे तो आफ्टर अ मंथ अपनी विजिट उन्होंने कहा कि मैं
I've noticed कि he's gaining weight. अब क्या दे रही है? मैंने कहा हम सब कुछ दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं. तो इसलिए फिर मैंने कहा कि एक जूस को हम तो जो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस ये किया है कि प्योर जूस होगा. यू टेल अस कि आपको क्या चीज़ कैसा जूस चाहिए, मीठा चाहिए, ओरिजिनल जूस चाहिए, मिक्सिंग चाहिए, हम कर देंगे. दैट इज़ वॉट वी आर डूइंग. तो वो वहाँ से ये हमने जूस का कॉन्सेप्ट हसीब को मैंने थोड़ा बहुत समझाया. फिर इसकी कोई हमने ट्रेनिंग की, एक दो जूस सेंटर्स पे इसको मैंने भेजा काम करने का. फिर हमने एक शुगर केन की मशीन सेकेंड हैंड परचेज की और घर में रखा. फिर वही ब्लेंडिंग, बहुत दफ़ा होता है कि हमारे से गलत भी हो रहा होता है, लेकिन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. और इंशाल्लाह विद इन द प्रोसेस वी आर लर्निंग. लेकिन ही इज़ वेरी हैप्पी. उसका एक जो अपना है ना कि ये मेरी चीज़ है एंड आई एम सर्विंग. बहुत दफ़ा अगर गलत हो गया, मामा जी गलत हो गया, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. सो यस, कम अज़ कम वो सॉरी कह तो रहा है. यहाँ तो कोई सॉरी कहने के लिए तैयार ही नहीं है. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के लोग, मैं तो चाहती हूँ कि और बच्चे आएँ और स्क्वीजी का ये कॉन्सेप्ट डिवेलप हो. और आपने देखा होगा कि बहुत से अनफॉर्चुनेटली आप इस्लामाबाद में जी फूड कार्ट्स बनी हुई हैं, तो इस तरह की बने एक सेफ एनवायरनमेंट में ये बच्चे काम कर रहे होंगे. काम नेचुरली उनके पेरेंट्स ने आके करना है या उनके बहन भाइयों ने करना है. आई एम नॉट आस्किंग कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट आ जाए और वो आके उसके साथ खड़ा होके चीज़ें बेचेगा. तो वो एक डेवलप हो जाएगा. और जो कम्युनिटी है हमारे साथ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है DHA की कम्युनिटी का. दे विजिट हसीब जूस बार. तो आई डोंट वॉन्ट हिम टू बी रिच, आई वॉन्ट हिम टू बी इनफ विद द थिंग्स जो उसकी ज़रूरियात को पूरा कर. That is all. लेकिन respect और pride के साथ. It's all about I face many challenges and finally I have got an idea of my dream becoming a businessman has finally come true. So I'm a CEO of my own juice shop called Squeezy the Juice Bar. So my family and I started for the 3rd October 2020 years, and I'm really excited to work on a businessman just like that, like I did with Squeezy. Mujhe juice shop kaam karna acha lagta hai aur mujhe fruit juices mein banane mein acha lagta hoon aur and I really, really like it. Juices. सबसे पहले मैं orange juices बनाता हूँ, वो भी मेरा favorite है. इसके बाद अनार का juice भी बनाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा favorite है.